बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गेमिंग वर्ल्ड में। तो आज के वीडियो में मैं आपको रैंक मैच कैसे पुश करें, वो भी सोलो मोड में। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप करें। मेरे पास छः या सात ट्रिक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहला जो ट्रिक के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपना कैरेक्टर जो है वो लंबा नहीं रखना है। मतलब कि आप देख सकते हो मेरे पास वुकोंग है, वो ना लंबा है, इसके हेयर जो है वो। तो आपको कुछ अलग कैरेक्टर ले लेना है। और तो सॉरी गाइस, यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ हो रहा है इसीलिए सॉरी। तो मैं यहाँ पे अपना अलवारो ले लेता हूँ और इसके बाल देखो आपको छोटे कर देने। मतलब कि आपको कोई सा भी हेयर स्टाइल जो है वो पहना लेना है। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए क्लासिक खेलूँगा, क्योंकि मेरा रैंक गेम में कुछ एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं वापस बैक चले जा रहा हूँ इसीलिए। तो देखो, मैं अपनी जो सबसे पहले जो वो स्टार्ट करता हूँ, अब मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ अपने मैच के दौरान। तो गाइज, मैं यहाँ पे अपने मैच में जो आ चुका हूँ, और अब आपको क्या करना है, अब देखो क्या करना है। मतलब कि जो देखो प्लेन अब यहाँ से जा रहा है, यहाँ से तो आपको कुछ मतलब सॉरी गाइज, ये ट्रिक नंबर दो थी, तो मैं पहली वाली ट्रिक बताऊँ। ये जो पीक वाली जो हवेली है ना, उसकी इस साइड को आपको उतरना है। देखो वो कैसे उतरना है, वो भी मैं आपको बता। आपको जैसे ही प्लेन यहाँ पर आए, लेकिन कैसे भी करके आपको पिक की जो हवेली है वहाँ पे इस वाले गेट पे उतरना है। और फिर क्या करना है वो भी मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। तो देखो, अब इस गेट के ऊपर मैं थोड़ी देर में उतरता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा, अब देखो इस वाले में आप सोचोगे मेरे को गन कैसे मिलेगी, और इसमें आप किल भी कर सकते हो। ये स्ट्रेच है, मतलब बंदे को पता ही नहीं चलेगा कैसे मारा वो। आपको आगे जाना, फिर क्या करना है, यहाँ से इधर और इधर आपको आ जाना है। तो यहाँ पे कोई सा भी गन मिलेगा, और यहाँ पे नहीं मिली तो यहाँ पे देखो मुझे G18 मिल चुके, ये तो ऐसी खास तो नहीं है। और देखो यहाँ पे मुझे मिल गई है M40, और अब और मुझे लगा कि कोई बंदा है। और अब आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर भी देखो गन पड़ी होगी। तो अब आप सोच रहे हो अब क्या करना है, तो आपको आना है यहाँ पर, और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, उसका आपको पीछे चले जाना है और बैठ जाना है। तो अब आपको एक मैंने हाथ में M40 ले लेनी है, और दूसरी M40 आपको ड्रॉप कर देनी है। और देखो यहाँ पे एक साइड से एक बंदा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही मतलब के रहना है। मैं हाथ में अपने ग्लू पकड़ लेता हूँ। और हाँ गाइस, आप ये मत भूलना अपना जो पेट है वो आपको मतलब के इक्विप नहीं रखना, उसे मतलब के हाइड कर देना है आप अपने पेट को। यहाँ पे कोई सा भी तो आपको खड़े रह के ऐसे मार देना है, ठीक है। तो ये थी कुछ पहली वाली ट्रिक। तो देखो अब मैं आपको दूसरी वाली ट्रिक को बताता हूँ। तो सबसे और देखो इस वाली ट्रिक में काफ़ी बंदे क्या करते हैं, इसके ऊपर उतर जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको जो उतरा है उसको कैसे मतलब के मारना है वो भी मैं दिखाता हूँ। आपको जाना है इस वाले वेयर हाउस में, और अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पे लैंडमाइन हो, तो आपको जाना है यहाँ पे, और देखो आपको इधर और ये जो बालकनी है वहाँ पे आपको जाना है, और आपको कोई सी भी लॉन्ग रेंज की गन लेनी, और यहाँ पे आ जाना, और यहाँ से आपका रेड डॉट है वो जो आसानी से आ जाएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ दूसरी वाली ट्रिक में। तो अब बारी आई ट्रिक नंबर दो की। तो उसके लिए क्या करना है, तो वो मैं आपके मैच में जाके दिखाता हूँ। और इसके लिए आपको कोई सा भी मतलब कैरेक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा आपको मैच में जाकर ही मिलता हूँ। तो मैं मैप में आ चुका हूँ, आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अपना मैप खोल लेना, देखो आपको देखना है प्लेन कहाँ से जा रहा है। तो ये जो प्लेन जो है सीधे सीधे जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे जो प्लेस है उसके ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। इसके जो साइड वाले हैं बहुत बहुत दूर है। देखो ये संतोषा है, मास इलेक्ट्रिक है, पोचिनोक है, और केप टाउन और शिपयार्ड, इनमें शिपयार्ड बोल सकते मतलब कि प्लेन जल्दी से गुजरता है वहाँ पे आपको नहीं जाना, मतलब कि दूर जाना। वो आपको मैं एक्सप्लेन करके अभी दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बंदे ही नहीं उतरते। और गाइज आप सोच रहे होंगे इतना दूर आप मैं कब जाऊँगा, तो गाइज देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मतलब कि वो तो आपको सुना है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 बंदे उतरेंगे, वो मेरी गारंटी है। तो देखो यहाँ पे पोचिनोक में कोई सा भी बंदा नहीं दिख रहा होगा आपको, देख लो, रुको मैं इसे दूसरा कैमरा करके दिखाता हूँ, कोई भी बंदा नहीं है, देख लो गाइज।
तो ये पूरी की पूरी पोचिनो जो है वो खाली है, मतलब कुछ कुछ बंदे को छोड़ के, बट हाँ कोई 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 बंदे जो पीक में से पोचिनोक में आ सकते हैं उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। मतलब आप अगर जब देखो प्लेन यहाँ से जा रहे हो, आप संतोषा में जाओगे ना तो पक्की मेरी गारंटी है आपको ना 3 से ज़्यादा बंदे वहाँ पे संतोषा पे नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं ही मिलेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक के तरफ। तो अब बारी है ट्रिक नंबर 3 की। तो ट्रिक नंबर 3 जो ये है कि आपको मतलब अपना जो मैप है वो एक्सप्लोर ही करते जाना, एक्सप्लोर ही कर, मतलब कि आपके आपको कहीं भी रुकना है, रुकना है तो सिर्फ लूट करने, और आपको जिधर भी जा सकते हो उधर भी आपको मतलब कि भरना है। मार्स इलेक्ट्रिक फैक्ट्री, पोचिनो क्लॉकटावर, यहाँ वहाँ पे आपको जाना है और एक्सप्लोर करना, उसके भी आपको पॉइंट मिलेंगे रैंक मैच में। तो अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो हम जाते हैं, तो ट्रिक नंबर 4 है हमारी लोड आउट। तो लोड आउट आपको क्या रखना है, आपको रखना है एक स्कैन और दूसरे वाले में आपको रखना है बोन फायर। तो काफ़ी बंदे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझको क्या रखना चाहिए, रिसप्लाई मैप रखते हो, बाउंटी टोकन ले, वो सब वेस्ट ही है आपका। आप रखिए बोन फायर और स्कैन, वही आपके लिए बढ़िया है। तो ये थी ट्रिक नंबर 4। तो ये ऐसी इतनी खास भी नहीं थी। तो अब मैं आपको नंबर 5 की तरफ ट्रिक के ओर बढ़ते हैं हम। तो जो पांचवी ट्रिक है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पांचवी ट्रिक है वो, एक सेकंड, तो मुझे कुछ काम याद आ गया था। तो पांचवी ट्रिक वो है आपको ये जो बीमा शक्ति का जो वेयर हाउस है वहाँ पे आपको जाना है। तो मतलब कि जो ये जो प्लेन है वो दो जगह से तो वो जाता है, या तो बीमा शक्ति या फिर पी। तो आपको ये जो वेयर हाउस को आ जाने फिर आपको करना है इजेक्ट। तो मैं यहाँ पे इजेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सीधा ही ड्यू कर लेता हूँ और इस वेयर हाउस के ऊपर उतरता हूँ। तो इस वेयर हाउस के ऊपर कहाँ पे उतरना वो भी मैं बताता हूँ, जैसे कि बंदे आपको मार ना सके इसलिए, वरना नीचे भी काफ़ी सारे बंदे जो है वो आपको मार जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं वेयर हाउस के ऊपर करता हूँ। तो इसमें आपको देखो दो है, अरे रुको, इसमें आपको दो है। आप अगर ये भी वेयर हाउस में उतर सको या फिर जो पीक वाली हवेली है, पीक वाली हवेली उसके ऊपर भी आप उतर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो लेट जाना है, और लेट जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे देखो किसी को भी नहीं बताएंगे, और आपका जो पेट है वो अपना हाइड कर लेना। आप ऐसी दूसरी जगह पे कर सकते हैं, ये जो पीक वाली हवेली है वहाँ पे आप कर सकते हैं आराम से। तो वहाँ से भी प्लेन जाए तो आप पीक वाले पे करना, और यहाँ से प्लेन जाए तो आप यहाँ पे करना। तो एक और जो ऐसी है जो रिवर साइड में है वहाँ पे आपको देखो, सॉरी गाइस, वहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, वहाँ पे आपको मतलब जो लूट भी मिल जाएंगी और ऊपर सा प्लेस भी मिल सकता है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, तो वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो अभी ही चलते हैं, तो चलिए। और जब आप वो वेयर हाउस से कूदते हैं आपकी हेल्थ डाउन हो जाएंगी, और आपको तभी ही कूदना है जब आपका मतलब के जोन आए और जो बोन फायर जो है वो चार्ज हो जाए तभी। तो यहाँ पे देखो मुझे लूट तो मिल गई, यहाँ पे मुझे एक MP40 भी मिल गई है। यहाँ पे जल्दी से वुकोंग बन जाता है, वुकोंग का ये फायदा बहुत है। तो अब ये बंदे को जाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैं जाऊंगा ना तो इस बंदे को पता चल जाएगा मैं किधर हूँ। तो मैं इस बंदे को जाने के बाद ही, मैं देखो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको मतलब कि या तो पीक पे ऊपर भी जा सकता है या फिर बीमा सकते कि वेयर हाउस के ऊपर। तो यहाँ पे हमें जहाँ भी उतरना था वहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो देखो स्कैन का भी यहाँ पे फायदा ही है। तो आपको लोड आउट में स्कैन जो जरूर है इफेक्ट करनी है। तो उस बंदे ने मुझे मार दिया था। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसके देखो ये पुल के ऊपर ये जो है ना ये छोटा सा है उसके ऊपर उतर जाओ, लेकिन ये जो पहाड़ी से ये जो है ना पहाड़ से वो कुछ बंदे आएंगे ना तो वो आपको वो देख सकते हैं, तो वो मार भी सकते हैं। तो अब मैं जो जगह कहने जा रहा हूँ वो आपको किसी को भी मतलब के नहीं पता होगी शायद से, तो और किसी बंदे को भी नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे Mag 7 भी मिल चुकी है, यहाँ पे ग्लूअल ले लिया, और आपको ज़्यादा लूट नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कर लेता हूँ। आपको लॉन्ग रेंज की और शॉर्ट रेंज की गन मिल जाए, बस आपको वो जगह पे चले जाना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे देखो
ऐसे कितने भी सारे हैं, तो आपको क्या करना है, एक कितने हैं, एक दो तीन है ना ऐसे, तो आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला है यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद ऐसे जंप लगा देनी है। तो अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हो, आपको यहाँ पर जाना है और बैठ जाना है सिर्फ। तो अब यहाँ पे आपको कोई सा भी बंदा भी नहीं दिखेगा, और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हो। देख लो, अब आपको सोचोगे कि यहाँ पे अब मैं कूदूंगा तो बहुत सारे हेल्थ जाएंगी आपकी। तो अगर आप अच्छी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वो करोगे, तो आपकी सिर्फ 5 मतलब के हेल्थ ही जाएंगी। तो वो नहीं, मैं आपको दिखा, ये जो नीचे जो आप वायर देख रहे हो ना, इसके ऊपर आपको मतलब के जाना है। तो देखो, मैं ऐसे आपको ऐसे करना है और फिर मतलब के जंप लगा दें। तो मैं देखो यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने ठीक तरीके से नहीं किया, मतलब कि कभी कभी 180 भी हेल्थ हो जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे आप जो ना है तब चले जाना, और अब आपको लगे कि बंदा आ रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पे ऐसे बैठ कर फिर ऐसे लेट जाना है। तो यहाँ पे देखो कोई सा भी नहीं देखा, जैसे ही बंदा है आपको ऐसे बजा देने हैं उसके मतलब मत्थे पे। तो ये थी कुछ ट्रिक। तो अब मैं एक और आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, मतलब कि ये ट्रिक मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको मतलब कि ये जो देखो काफ़ी सारे मतलब कि लूट करने के लिए बंदे क्या कर रहे हैं, ऐसे मतलब कि स्टील खड़े ले रह जाता है, और सामने वाला आराम से हेडशॉट मार दे। आपको क्या, आपको बैठ जाना और ऐसे ऐसे आपको हिलाते रहना है आपका जो कर्सर है वो। तो यहाँ पे आपको सुन गया गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, गाड़ी वाला जहाँ, तो यहाँ पे आपको क्या ऐसे हिलते रहें ताकि आपको मतलब के हेडशॉट ना लगे इसीलिए। तो ये थी कुछ ट्रिक, और एक और ट्रिक मुझे मिली है वो मैं बता देता हूँ। तो चलो, तो आपको कब क्या करना वो भी मैं ट्रिक बता दूँ। तो अब इसके लिए आप आपके पीछे जब कोई स्क्वाड पड़ता है तो उसमें काम आएगा। तो आपको क्या ऐसे ऐसे देखो प्रैक्टिस करने रहनी है इसको फटाक से जाने की। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेग हो रहा है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि आप अपने बंदे को ऐसे करके भगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे फिर आपको कार लेके निकल जाना है, फिर यहाँ से डोर में जाना है, फिर अंदर आना है, और फिर बाहर जाना है, और फिर घूम के ऐसे करके फिर इस मेन वाले डोर में आना है, और यहाँ से आपको निकल जाना है। और अगर का आपके पास कोई सा भी एक्टिव कैरेक्टर होगा मतलब कि वुकोंग, तो आप इस छाले को भी बन सकते हो, तो यहाँ से निकल सकते हो। और इसमें भी एक ट्रिक है, तो आपको मतलब जब जब तक पहले वाला जोन नहीं बनता, आपको जो इस वाले जो है, काफ़ी बंदे पहले यूज़ कर लेते हैं, तो इस वाले जो है इसे यूज़ नहीं करना। देखो अभी जोन ये बन गए, अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि जो दूसरा वाला जोन है वो कहाँ पर बनने वाला। तो यहाँ पे आपको बैठ जाना है इस वाले जोन में आकर। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक। अगर इस वीडियो में आपको मजा आता तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय। और गाइस प्लीज़ यार लाइक कर देना, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो मैं नहीं कर देना। तो चलो बाय बाय।